पर भी लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 7 और बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। उड़ीसा की 5, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। 695 उम्मीदवारों की भविष्य का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण के लिए आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। पांचवें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज महाराष्ट्र की, आपको एक बार फिर से बता दें, 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राहुल गांधी जैसे उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आज 695 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। मतदान शुरू हो चुका है, पांचवें चरण का मतदान आज हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज आपको बता दें कि लोकसभा के पांचवें चरण का मतदान आज हो रहा है। इन सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, लोगों में काफ़ी उत्साह है वोटिंग को लेकर। सुबह सुबह लोग पहुंच रहे हैं। लोकसभा के पांचवें चरण में यूपी में अब हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, जालौन के लोकसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। छः सौ 695 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। मतदाता काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं सुबह सुबह के वक्त, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कोशिश लोगों की होती है कि जल्द से जल्द सुबह सुबह के वक्त ठंडक में वोटिंग कर लें, क्योंकि फिर धूप ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों की कोशिश होती है कि जल्दी सुबह के वक्त वोट डाला। यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के भाग्य का फैसला होगा। आज मतदान शुरू हो चुका है। 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, जुबिन ईरानी, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति, यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। यूपी में 144 प्रत्याशी हैं, कुल 695 प्रत्याशी हैं जो कि आज मैदान में हैं। रायबरेली काफ़ी हॉट सीट है। और बांदा से हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमने जो पिछले 4 चरण में ज़्यादातर जगहों पर देखा कि कोशिश ये रहती है ज़्यादातर मतदाताओं की सुबह के वक्त वोट डालने के लिए निकल जाएं, क्योंकि और अब पिछले 2-3 दिनों से गर्मी जिस तरीके से पीक पर पहुँच रही है, उस लिहाज से हम आज यही उम्मीद कर रहे हैं कि सुबह के वक्त जो जोर है वो ज्यादा रहेगा। फिलहाल क्या तस्वीर जिस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त हैं वहां पर? बिल्कुल, पिछले जो मतदान हुआ उसमें हमने यही देखा कि गर्मी की वजह से भी हो सकता है कि मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों में कम रहा है। लेकिन ये पांचवें चरण में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में मतदान जारी है और सुबह से मतदाता अपने मतदान करने के लिए घरों से निकले हैं और पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं। मैं बांदा लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ में हूं। तस्वीरें पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पे लोगों में उत्साह है, क्योंकि सुबह से ये लोग 6:30 बजे से लाइन में हैं। महिलाएं हैं और ये लाइन में यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष भी लाइन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है। सुबह के 8 बजे के समय है और 8 बजते साथ ही यहाँ का टेम्परेचर, मैं ये कह सकता हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ उस आधार पे, कि 40 डिग्री से ऊपर हो चुका है। और ये बांदा लोकसभा सीट में जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री 45 डिग्री होता है। तो सुबह के वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हम ये कह सकते हैं कि बेहद सुखद हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन में पहुंची हुई हैं। पुरुष भी पहुंचे हुए हैं और ये तिंदवारा गांव है और तिंदवारा गांव के इस
स्कूल में दो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 160 नंबर का है और 161 नंबर का, तो पोलिंग बूथ बना है और यहाँ पे बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की और जानने की कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पे यहाँ पे मतदान चल खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी क्या करते हैं आप? बस घर का काम। हम घर का काम? रोजगार नहीं है क्या? नहीं, तो रोजगार नहीं तो घर कैसे चलता है फिर? नहीं, यही अपना। तो अच्छा ये बताइए, रोजगार विषय है यहाँ पे मतदान? हाँ, के लिए जी लोग ये सोच रहे हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार होना चाहिए। हाँ, महंगाई है बहुत, तो उस प्रभावित करेगा मतदान। हाँ, हाँ। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार। देखे ना सामने, राम कुमार। क्या करते हैं सर? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते? मजदूरी मिल जाती है? नहीं मिलती सर, कहीं मिली कहीं ना मिली, नहीं मिलती है। तो क्या सोच रहे हैं लोग यहाँ के? क्या सोच रहे हैं? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार जी, तो प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी को देख के वोट दे रहे हैं कि किसी और को देख के वोट कर रहे हैं? पार्टी को? प्रत्याशी को देख के। कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी है, 3-4 प्रत्याशी हैं यहाँ के। नाम नहीं मालूम। आर के पटेल हैं यहाँ के। किस पार्टी से हैं? ये भाजपा से हैं। भाजपा से जी। और दूसरा? गठबंधन से? गठबंधन से यही BSP है। BSP भी है यहाँ। देखें कि प्रत्याशी का नाम भी लोगों को पता नहीं है और पार्टी के लिहाज से भी है, कुछ और लोग हैं बात करते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलसर। क्या करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते हैं। क्या सोच के लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं? क्या सोच के? भाई देश का सुधार करने के लिए कर रहे हैं सब लोग। कभी सुधार हुआ है? कुछ नहीं हुआ ऐसा लगा? अभी तो कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं सुधार हुआ? कुछ नहीं हुआ, बर्बादी हो रहा है सब। हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ी है? महंगाई वैसे है, वैसे ही चल रहा है। कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी को देख के वोट हो रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं? कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय नहीं देख रहा कोई। अब देखो कैसा। क्या नाम है भैया आपका? जी मन्नू। क्या करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। मजदूरी जी? तो यहाँ पे ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं क्या? रोजगार नहीं है कुछ? नहीं, रोजगार है जो जिसका है। नौकरी ऐसा कुछ कम है? नौकरी वोकरिया कहाँ मिलती? कितनी मिल जाती है मजदूरी यहाँ पे? वही 300-400 रुपए मिल जाती है। 300 रुपए? हाँ, 300-400 इतनी तो मिलती है। कितने दिन काम मिल जाता है? मनरेगा में मिलता है कुछ काम? हाँ मिल जाता है, कभी मिला 4-5 दिन। लोग वोट करने के पहले क्या सोच रहे हैं? कैसा हो प्रत्याशी? किसको चुनना चाह रहे हैं प्रत्याशी? अब देखिए हमारे भर चुनने से क्या होगा? नहीं, आपके चुनने से क्यों नहीं होगा? आपके चुनने से भी सब कुछ होगा। एक वोट से बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। देखो चलिए कुछ महिलाओं से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व जरूरी है, उनकी भी सोच जरूरी है। लेकिन इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर आप देखें घूंघट में नजर आ रही है। मैं कहूंगा अपने साथी से कि दिखाएं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, वो सभी घूंघट में हैं। तो ये बुंदेलखंड का इलाका है और बांदा लोकसभा सीट है, तो अधिकांश जो महिलाएं हैं घूंघट में हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं उनसे पूछते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? अफसाना। तो अफसाना जी क्या क्या करते? पढ़ाई वढ़ाई करे हो? जी नहीं। नहीं किए? किस क्लास तक पढ़े हो? 10वीं तक। फिर क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया। यहाँ पे लड़कियाँ जो युवतियाँ क्या सोच रही है वोट करने के पहले? क्या होना चाहिए? कैसा नेता हो आपका? क्या नाम है आपका? सुमकली। घर में कितने लोग हैं? पांच। पांच बेटे हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बाहर। कुछ नहीं करते? बाहर। बाहर हैं? कहाँ चले गए? दिल्ली बम्बई। क्या करते? काम करने गए? तो मतलब यहाँ कोई काम नहीं मिलता क्या? सबको बाहर जाना पड़ता है? तो आपके नेता से क्या होंगे? क्या चीज? यहाँ इतनी मजदूरी नहीं कि यहाँ खुद कमा के खा सके। अच्छा, मजदूरी नहीं मिलती है तो कमा के खाना भी मुश्किल है। तो आपके परिवार से भी लोग बाहर गए क्या? जी। कहाँ? बाहर रहते हैं सब। बाहर रहते हैं? आपके परिवार से भी बाहर? हाँ, सब बाहर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? थोड़ा दिखे ना। कमला। अगर घर में दिक्कत ना हो तो अपना पल्लू थोड़ा सा दिखा दो, लोग देख भी लें। नहीं भैया, इतना समाज। ये है बुंदेलखंड का बांदा, जहाँ पे ये कह सकते हैं कि पिछड़ापन अपने चरम पे है। लोग महिलाएं जो हैं घूंघट पे हैं। स्थानीय कई सारी समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है। जैसा कि लोगों से बात की, लोग मजदूरी करते हैं, हर परिवार से लगभग बाहर लोग रहते हैं। कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई अलग शहर में, लेकिन फिर भी वो अपने मुस्तकबिल को लिखने के लिए, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए, अपनी सरकार को चुनने के लिए यहाँ पे
बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर है, एक बार फिर दिखा देते हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये महिलाएं हैं, कतार में बैठी हैं। इस तरफ आप देखें पुरुष हैं कि जो थक गए हैं, इतनी गर्मी है, टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर है और सुबह के वक्त अगर इस तरीके की गर्मी है तो दोपहर के वक्त में समझा जा सकता है कि कितनी गर्मी होगी। और यही वजह है कि सुबह सुबह लोग बिना नाश्ता किए हुए, बिना जलपान किए हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे हुए हैं, तो ताकि उनकी ऐसी सरकार बने जो उनके भविष्य को गढ़ सके। जी बिल्कुल, भविष्य को सवार सके। और जो मुद्दा रोजगार का वहां सबसे बड़ा नजर आ रहा था, जो बातों से पता चला स्थानीय लोगों के, जुल्फिकार शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ताजा अपडेट लगातार वहां से लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया।